ओमिक्रॉन ये कोविड ना मनुष्य पूरा 2020 घर में बैठे बैठे निकल गया और 2021 डर में बैठे बैठे। पिछले साल बर्तन धो धो के हाथ घिस गए और इस साल मास्क पहन पहन के चेहरा दिख जाए वही बड़ी बात है। लाइफ पूरी रियल से वर्चुअल हो चुकी है। एक साल से घर में दुबक के बैठे। अरे खून के रिश्तों से गहरा रिश्ता तो मेरा इस वेकफिट के सोफे से बन गया है। बिल्कुल वेलक्रो की तरह चिपक चुका हूं इससे, उठता हूं तो चरस से आवाज आती है। एक साल से इस पे आस लगाए बैठा हूं मैं, वो वाली आस। ये कोविड खत्म होगा कि नहीं होगा? बार बार बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है शेमलेस। अभी थोड़े दिन पहले लोगों ने अपने हॉलिडे के फोटोज डालना शुरू किया था, गोवा, मनाली, सिक्किम। मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था तो हॉलिडे के प्लान्स बना ही रहा था कि मार्केट में नया वेरिएंट आ गया फॉरेन से, ओमिक्रॉन। अब तेरी कमी रह गई थी। हर देश ने अपना अपना एक वेरिएंट उतार रखा है मैदान में। यहां हमारी फटी पड़ी और बाहर वायरस के वेरिएंट्स का वर्ल्ड कप चल रहा है। आजा ओमिक्रॉन, तू भी आजा, तेरी कमी रह गई थी, अभी 2022 भी खा ले तू। लास्ट बार मैंने न्यू ईयर के आगे हैप्पी लगाया था जैन 2020 में। ये साला कोविड खत्म का ही नहीं होता है बे। और ऑफिस वालों तुम भी सुन लो, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, किसी वायरस से कम नहीं हो तुम। पिछली बार फरवरी में तुमने ऑफिस खोलने की बात छेड़ी थी, सेकेंड वेव आ गया। इस बार फिर से तुमने सबको मेल भेजा है कि भाइयों बहनों ऑफिस खुलने वाला है, तैयार हो जाओ, ये ओमिक्रॉन आ गया। पैटर्न समझो तुम, क्रोनोलॉजी समझो, मुंह मत बनाओ, सच कड़वा होता है। मैं लिख के दे सकता हूं ये वायरस जो है ये पिछले जन्म में एक पीड़ित ऑफिस का एम्प्लॉय रहा होगा। ऑफिस खुलने की बात सुनते ही उत्तेजित हो जाता है। अरे क्यों तुम लोग बार बार ये वायरस को उंगली करते हो यार, इसको मर जाने दो, चैन से दफन करने दो, बाद में हम लोग आराम से ऑफिस खोलेंगे 2-3-4-5 साल बाद। और क्यों जाना है ऑफिस, क्या उखाड़ लेंगे हम लोग ऑफिस जाके? नहीं ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया तो तुम मुझे फॉरेन प्रमोट कर दोगे। साला यूएस में लोग 11 साल में सीईओ बन जाते हैं और यहां पर लिंक्डइन पे भी कांग्रेचुलेशन मिलता है ना तो ईयरली एनिवर्सरी पे मिलता है, प्रमोशन पे नहीं। जब भी प्रमोशन की बात करो तुम वी विल थिंक अबाउट इट कहके मुंह बना के निकल जाते, तो क्या फायदा आके? कितना अच्छा है यार ये वर्क फ्रॉम होम, इट्स लवली। अपना नींद से उठे, शर्ट टाई पहना, मीटिंग के लिए बैठ गए, मुंह नहीं धोया तो वीडियो ऑफ कर दिया, बोल दो नेटवर्क सही नहीं है, और कोई ज्यादा पका है तो सीधा बंद करके निकल जाओ। अपना गए, सिगरेट वेट पिया, चाय पिया, पाव वाव खाया और थोड़ी देर में वापस आ गए। हाय गाइस, सॉरी टेरिबल नेटवर्क, पावर आउटेज, वे वर वी, यू आर बैक, दिस इज सो नाइस, आई रियली लाइक दिस, आई डोंट वांट टू गो बैक टू ऑफिस। यार ये वर्क फ्रॉम होम वाली वर्चुअल लाइफ बेस्ट है। प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, हमको वापस ऑफिस मत बुलाओ, हम खुश हैं यहाँ। भाई और बहनों, एक होने का वक्त आ गया है। ये मेरी जो थ्योरी है ऑफिस खुलने के साथ वायरस के नए वेरिएंट वाली, इसको सारी वर्किंग कम्युनिटी के साथ आप शेयर करो, हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, वर्क फ्रॉम होम फॉर लाइफ। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सोफे पे पड़े रहें। जय हिंद, जनहित में जारी। कोई पानी वानी पूछेगा मुझको, घर पे बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं लाइटली ले लो। क्या मतलब मगरमच्छ की तरह सोफे पे पड़े रहते हो? अरे हां जा रहा हूं गाड़ी स्टार्ट करने, नहीं खराब होगी पड़े पड़े। ये सोफा मेरा इस साल का बेस्ट बाय रहा है, तो आप भी wakefit.co पे जाइए और wakefit के अमेजिंग सोफा रेंज में से अपना मनपसंद सोफा घर ले आइए। wakefit है तो घर सेट है। लॉग ऑन टू wakefit.co नाउ।